नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। अभी तक की सारी बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो चलेंगे एक एक बड़ी खबर की तरफ। लेकिन उससे पहले, अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर हम आपको बताएंगे कल से लेकर आज तक कोरोना के कितने केस आए हैं और उसका क्या कारण है। दूसरी खबर बताएंगे जहां पर दिल्ली के 8 मस्जिदों में छुपे थे 113 लोग। जी हां दोस्तों, चलेंगे तीसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूएन महासचिव ने द्वितीय विश्व युद्ध से की कोरोना वायरस की तुलना। चौथी बड़ी खबर में बताएंगे बड़ा खुलासा हुआ है, अजीत डोवाल ने बड़ा खुलासा किया है, बताएंगे क्या खुलासा किया है। साथ ही आपको बताएंगे कि अमित शाह ने कश्मीर को लेकर कौन सा नया नियम लेकर आए हैं। आगे बताएंगे जहां कुमार विश्वास का केजरीवाल पर तंज, क्या तंज कसा है जरूर बताएंगे आपको। साथ ही एलपीजी के भाव सस्ते हो गए, कितने सस्ते हो गए, सारी खबर दोस्तों आपको बताएंगे। साथ ही आपको बताएंगे बैंक से रिलेटेड, तो कहीं जाइएगा मत, खबर को पूरे लास्ट तक देखिएगा, आपके लिए सारी महत्वपूर्ण, सारी सरकारी न्यूज, सारा लॉकडाउन से रिलेटेड खबर लेकर आए हैं। तो घर पे आराम से बैठिए और न्यूज को देखिए और लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको अपडेट करा दे कि कल से लेकर आज तक कोरोना के 386 नए केस आए हैं। तबलीगी जमात की वजह से मामले बढ़े हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे में यानी कल से आज तक 386 नए केस आ गए हैं और कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या बढ़कर 1637 हो गई है, जिसमें 1466 लोग अभी भी संक्रमित है जबकि 133 ठीक हो चुके हैं और 38 लोगों की मौत हो चुकी है। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर दोस्तों हम आपको बता दें कि दिल्ली की 8 मस्जिदों में छुपे थे 113 लोग, निजामुद्दीन मरकज में हुए थे शामिल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के उत्तर पूर्वी और शहादरा जिले में पुलिस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए 8 मस्जिदों से 113 विदेशी और भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला है जो छुपकर यहां रह रहे थे। इनमें से 84 लोग विदेशी नागरिक है। दरअसल दिल्ली पुलिस को उत्तर पूर्वी जिले की 7 मस्जिदों और शहादरा जिले की एक मस्जिद में बहुत सारे लोगों को छिपे होने की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने तलाशी अभियान चलाकर उत्तर पूर्वी जिले की 7 मस्जिदों में छिपे 106 लोगों को बाहर निकाला, जिसमें से 84 लोग विदेशी नागरिक हैं। इसके अलावा 7 लोगों को शहादरा जिले की आसका मस्जिद से बाहर निकाला गया। पुलिस ने पूरे घटना की जानकारी चिट्ठी लिखकर डीएम को दी है। प्रशासन से अपनी जानकारी छिपाने के जुर्म में अब भी पुलिस लीगल एक्शन लेते हुए सभी पर एफआईआर दर्ज कर रही है। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि किसी भी जगह कोई भी छुपा हुआ व्यक्ति नहीं रहना चाहिए, ढूंढ ढूंढ कर उन्हें बाहर निकालो। तो दोस्तों दिल्ली पुलिस लगी हुई है। तो दोस्तों अगर इन लोगों को छुपना ही था तो ये लोग पुलिस से बता के भी कह सकते थे कि हमारे पास जाने का साधन नहीं है तो हमारा चेकअप कर लो, हम इनके साथ रहेंगे, या बहुत सारी व्यवस्थाएं हो सकती थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। तो इनके छुपने के पीछे क्या कारण हो सकता है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी इसके पीछे बड़ा साजिश लगता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि क्या साजिश हो सकता है। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड नेशन यानी यूएन के महासचिव ने द्वितीय विश्व युद्ध से की कोरोना वायरस की तुलना। कहा दुनिया आर्थिक मंदी की ओर बढ़ रहा है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कोरोना वायरस की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ी चुनौती बताया है। उन्होंने कहा कि ये महामारी न केवल लोगों की जान ले रही है बल्कि आर्थिक मंदी की ओर भी लेकर जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हालिया इतिहास में ऐसा भयानक संकट नहीं पैदा हुआ था। तो दोस्तों क्या आप भी मानते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध से इसकी तुलना करना सही होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि एनएसए अजीत डोवाल ने तबलीगी जमात के लोगों को हटने के लिए कहा था। जी हां दोस्तों, ये बड़ा खुलासा हुआ है, हम आपको बता दें क्या है खबर। दरअसल दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुए तबलीगी जमात कार्यक्रम को लेकर लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। अब जानकारी मिल रही है कि 28 से 29 मार्च की रात तबलीगी जमात के मौलाना साद ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से संपर्क किया था। अजीत डोवाल से बात करने के बाद तबलीगी जमात के लोग उस जगह से हटने के लिए राजी भी हुए थे। उस
समय एनएसए डोवाल ने मौलाने से सेंटर में मौजूद सभी से कोरोना टेस्ट कराने के लिए कहा था, तबलीगी जमात के सेंटर में कोरोना के मामले मिलने की बात को लेकर अजीत डोवाल और गृह मंत्री अमित शाह काफी गंभीर थे। तो दोस्तों, गृह मंत्री जी को इस विवाद पर क्या एक्शन लेना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और इन लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए जिन्होंने भारत देश को इतने भयानक मंजर की ओर लेकर जाने में लगे हुए थे, इनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के। तो चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अमित शाह ने किया कश्मीर में नए डोमिसाइल नियम का ऐलान। अब 15 साल तक जो वहां रहेगा वही कहलाएगा निवासी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर से स्पेशल स्टेट्स वापस लिए जाने के 8 महीने बाद केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल को लागू कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में 15 सालों से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के हकदार होंगे। इसके तहत जिन बच्चों ने 7 वर्ष तक केंद्र शासित प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई की है और 10वीं या 12वीं कक्षा की परीक्षा दी है, वे भी जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल होंगे, उन्हें सरकारी नौकरियां भी मिल पाएंगी। साथ ही आपको बता दें कि डोमिसाइल कानून में नई संशोधन को उन चिंताओं को दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है जो जम्मू और कश्मीर के लिए केंद्र शासित प्रदेश की स्थिति में जनसांख्यिक बदलाव लाएंगे, क्योंकि देश के किसी भी हिस्से के लोग वहां नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं और जम्मू कश्मीर में बस सकते हैं। संसद द्वारा धारा 370 को खत्म किए जाने से पहले केवल पूर्ववर्ती राज्य के स्थायी निवासी माने जाने वाले लोग ही राज्य सरकार में नौकरी पा सकते थे। दोस्तों, ये अमित शाह जी की तरफ से लिया हुआ एक्शन को आप सही मानते हैं या इसमें और भी संशोधन होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कुमार विश्वास का आया है ट्वीट। दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और 100 बार पैसे देकर एड के बहाने चेहरा भी दिखा लोगे, लेकिन क्या है पूरी खबर हम आपको बताएंगे। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 दिन का लॉकडाउन किया है जिससे संक्रमण फैलने का खतरा कम हो। ऐसे में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिससे संक्रमण फैलने की वजह और भी बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अभी तक देश में करीब 1400 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। लॉकडाउन के चलते देश में रोजाना कमाकर रोजमर्रा का जीवन जीने वाले मजदूर अब बेसहारा हो गए हैं, जिसकी वजह से वे अपने घरों की ओर पलायन पैदल ही कर रहे हैं। इन्हीं सब मसलों को लेकर दिल्ली में होने वाली लापरवाही के कारण मशहूर कवि कुमार विश्वास ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर 3 ट्वीट किए हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। कुमार विश्वास ने अपने पहले ट्वीट में लिखा है कि सोचता था कि इतने पराक्रमी पुरुषार्थी और देशभक्त बच्चों की भारत माँ कैसे 1000 साल गुलाम रही। आज देखकर समझ आता है देश मरता हो मर जाए पर कुछ नीचों का महजबी तुष्टीकरण वाला वोट जुगाड़ू एजेंडा बचना चाहिए। शायद हम डिजर्व भी करते हैं जो ऐसे लंपटों को पहचानने के बाद भी चुने जाते हैं। इसके आगे उन्होंने लिखा कि हजारों करोड़ों के विज्ञापन देकर मीडिया को चुप करा लोगे। निचेश्वर दिन में 4 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस और 100 बार पैसे देकर एड के बहाने चेहरा भी दिखा लोगे, पर ईश्वर कभी तो तुम्हारे इन बेहिसाब पापों का हिसाब करेगा। भारत के अखंडित तप का पुण्य फल दे ईश्वर, हमारे गांव गरीबों को बचा। अपने आखिरी ट्वीट में कुमार विश्वास ने लिखा कि लेकिन आज नहीं तो कल निकलेगा, इस विपदा का हल निकलेगा। तो दोस्तों, इस तरह से उन्होंने केजरीवाल सरकार पर तंज कसा है। इसको आप सही मानते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और आप केजरीवाल सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो दिल्ली में इतनी लापरवाही देखी जा रही है। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर लॉकडाउन के बीच आम लोगों को मिली है राहत। LPG सिलेंडर की कीमतों में की गई है कटौती। जी हां दोस्तों, अच्छी खबर आ रही है आप लोगों के लिए। आपको बता दें, लॉकडाउन के बीच LPG सिलेंडर के दाम कम हो गए हैं। इंडेन की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक दिल्ली में 14 किलो 200 ग्राम नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत अब 744 रुपए हो गई है। पहले दिल्ली में यह सिलेंडर 805 रुपए 50 पैसे के भाव पर था। इस लिहाज से दिल्ली में नॉन सब्सिडी सिलेंडर 61 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। इसी तरह नॉन सब्सिडी सिलेंडर की कीमत कोलकाता में 774 रुपए 50 पैसे था, मुंबई में 714 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 761 रुपए और 50 पैसे था। दोस्तों, कुल मिलाकर 61 रुपए सस्ता हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों के यहाँ के सिलेंडर का क्या रेट है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, जिसमें से आप 61 रुपए घटा
हटा लीजिए। साथ ही आप ये बताइएगा कि आपके यहाँ कौन से एजेंसी का सिलेंडर आता है, भारत गैस, इंडियन या अन्य। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पाकिस्तान से खबर आ रही है कि कोरोना संकट के बीच पाकिस्तान अल्पसंख्यकों से भेदभाव, सिंध में हिंदुओं ईसाई को नहीं मिल रहा है राशन। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही भयावह खबर आ रही है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ कोरोना केस की संख्या 2000 के पार चली गई है। इस बीच सिंध प्रांत में लॉकडाउन के कारण हिंदू और ईसाई धर्म के भाई लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। बता दे कि कोरोना वायरस के कारण पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन है। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन नहीं हुआ है, बल्कि कुछ प्रांत सरकारों ने अपने स्तर पर इसे लागू किया है। इसी बीच सिंध प्रांत में मौजूद कुछ हिंदू और ईसाई धर्म के लोगों ने भेदभाव का आरोप लगाया। तो दोस्तों, इस भेदभाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे पाकिस्तान के बारे में, जहां पर पाकिस्तान की सरकार अपने नागरिकों को इस मुश्किल की घड़ी में उनको अनाज देने के अवसर छीन रही है और उनमें भेदभाव दिखाकर वो अपने मेजोरिटी लोगों में सिर्फ अनाज बांटना चाहती है और बाकी हिंदू और ईसाई लोगों में नहीं देना चाहती है। तो इस तरह से कट्टर राजनीति के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और दोस्तों, यदि अब तक की सारी बड़ी खबरें, अगर खबरें आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, थोड़ा भी आपको लगा हो खबर काम का था, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय हिंद, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप मोदी जी का दिल से समर्थन करते हैं। देखते हैं कितने लोग शेयर करते हैं। जो भी शेयर करेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएगा कि मैंने शेयर किया है। धन्यवाद।